इस मंसूबा जो है इसकी इब्तदा कोई शक वाली बात नहीं कि पिछली हुकूमत ने इसकी इब्तदा की, ना सिर्फ इब्तदा की बल्कि 70% जो काम है वो भी पिछली हुकूमत ने कंप्लीट करवाया। 30% जो काम है जो कि रह गया था उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने इस हवाले से कंप्लीट कराया कि क्योंकि कोई भी मेगा प्रोजेक्ट या कोई भी स्कीम जो है वो, ये बात दुरुस्त है कि उस गवर्नमेंट की एफर्ट्स के नतीजे में वो मैच्योर होती हैं, लेकिन अगर 70% किसी मेगा प्रोजेक्ट पे, किसी भी स्कीम पे अगर फंड्स यूटिलाइज हो जाएं और उसको रोक दिया जाए पिछली हुकूमत की तरह, जिस तरह के प्रवेश लाई के दौर में जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो 10 साल गुजरने के बावजूद भी उनको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया गया, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने वो तमाम प्रोजेक्ट जिन पे गवर्नमेंट का खजाना टैक्स पेयर के पैसे लग चुके थे उनको कंप्लीट करने की एज सून एज पॉसिबल कोशिश की गई है। और आज जो है ये मैं समझता हूं कि तमाम लाहौरियों को ये दिन जो देखा है उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत का भी इनपुट जो है वो शामिल है। और आप जो आपने बात की कि इस पे क्या गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और क्या सब्सिडी देगी तो ये सरवाइव कर सकते हैं, ये बात दुरुस्त है। आज क्योंकि वहाँ उनके इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बाय इत्तेफाक से मेरे साथ बैठे थे तो मैं उनसे डिस्कस करता गया तो उन्होंने कहा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यही तरीका का